Hey guys, आज मैं आपको बताने लगा किस तरीके से आपको पीएफ में क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपको पैसा पीएफ में पड़ा हुआ है कैसे आप निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में कैसे निकाल सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस बताने लगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए ताकि हम इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। पीएफ का पैसे को निकालने के लिए जो भी आपको यहाँ पे पीएफ की वेबसाइट में आएंगे, डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार पे दे रखा हूँ, लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पीएफ को लॉगिन करने के लिए अपना पीएफ नंबर डालेंगे, जो भी आपको यूएन नंबर के ऑप्शन पे। उसके बाद आपको जो भी आपने पासवर्ड बनाया पासवर्ड डालेंगे, जो आपको कैप्चा दिखा दे रहे कैप्चा डाल के आपको साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं तो पासवर्ड किस तरीके से बनाते हैं मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा हूँ, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डाल के जो भी कैप्चा डाल के जैसे साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको पीएफ अकाउंट पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएगा। पहले यहाँ पे ओटीपी नहीं मांगता था, अभी यहाँ पे ओटीपी मांगने लगा है, तो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको कैप्चा डाल के सबमिट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखें आपके पीएफ अकाउंट के साथ जो भी आपको पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक रहे तभी जाके आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लेम करने के लिए सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म 31 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर आपको जो अकाउंट नंबर आपने पीएफ के साथ जोड़ रखा है उसको आपके अकाउंट नंबर को कंप्लीट दर्ज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें आप यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी टाइम में जो भी आपको यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको यस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबसे नीचे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम करने के लिए जो भी आपको 31 फॉर्म को फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे थोड़ी टाइम वेट करेंगे, 31 फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। 31 फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस आईडी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इनलेस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना अमाउंट के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, कितना अमाउंट आपको यहाँ पे क्लेम करना है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर आपका क्लेम अमाउंट आपको कैसे देखना है, जो भी आपका अमाउंट कैसे आप देखना चाहते हो और कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको पीएफ का पासबुक को लॉगिन करना होगा। तो पीएफ पासबुक आपको यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद आपको पहले लिंक पर क्लिक करके इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूएन नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट डालेंगे, उसके बाद आपको जो भी कैप्चा दिखा दे रहे कैप्चा डाल के साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो भी आपका पीएफ का पासबुक खुल जाएगा और कितना पैसा निकाल सकते हैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे एक एप्लीकेंट का मैं यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ फटाफट से। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पीएफ का जो भी पासबुक है आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एम्प्लॉई सीआर बैलेंस जो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर का नहीं एम्प्लॉई का सीआर बैलेंस आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो 6766 रुपया है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला बैलेंस निकाल सकते हो, नीचे वाला बैलेंस आप नहीं निकाल सकते, जो एडवांस के रूप में आपको ऊपर वाला बैलेंस को निकालना होगा। ठीक है, और नीचे वाला बैलेंस कैसे निकालना आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको अमाउंट कितना क्लेम करना है तो आपको यहाँ पे क्लेम अमाउंट डालेंगे, कितना रुपया चाहिए आपको, जो अमाउंट उसमें दिखा था उसमें आपको कितना चाहिए पूरा डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए, मेरे क्षेत्र में पूरा डाल रहा हूँ। तो आप उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, जो आधार कार्ड में उनका एड्रेस है पूरी एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको चेकबुक या पासबुक का फोटो आपको अपलोड करना होगा, चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं चॉइस फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी आपका चेकबुक या पासबुक को अपलोड करेंगे, अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करेंगे जो अपलोड हुआ आपको चेकबुक दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में टिक मार्क करके आपको यहाँ पे गेट ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी आएगा, इंटर ओटीपी सिस्टम में ओटीपी डाल के आपको जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका क्लेम थोड़ी टाइम के बाद आपका सक्सेसफुली क्लेम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा, जो भी आपने क्लेम किया हुआ अमाउंट है।